देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ सयाली पांडे। तालिबानी आतंकवादियों का खौफनाक चेहरा अब दुनिया के सामने आ रहा है। सत्ता में आने के 3 दिनों के अंदर ही तालिबान की क्रूरता का सबूत मिल रहा है। जहां एक ओर तालिबान के प्रवक्ता ने सभी अफगानी कर्मचारियों को माफ करने की बात कही थी, वहीं दूसरी ओर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तालिबानी आतंकवादियों ने अपने विरोधियों को चुन चुन के मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त के काले दिन कंधार में तालिबान लड़ाकों ने अफगान सेना के 4 कमांडरों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तालिबानियों ने इस घटना को शहर के एक स्टेडियम में भीड़ के बीच अंजाम दिया। इसके साथ ही उग्रवादियों ने शाह वली कोट के पुलिस प्रमुख पाचा खान की भी गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि ऐसी कई घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जिसमें साफ हो रहा है कि अफगानिस्तानी जनता की जिंदगी बद से बदतर बनती जा रही है। लोग बस किसी तरह जान बचाकर अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या तालिबान गोलियों से बात करना बंद करता है या दहशत का ये मंजर कायम रहता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।